कि वो मुझे जो जिसके दिल में आए वो भी प्रदान करें, जिस तक हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सके। अंकल हमें अपनी हिंदुस्तान की जनता से निवेदन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे निवेदन है कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, पैसे खत्म हो चुके हैं, हम मजबूर हो गए हैं अपना कोर्ट में केस लड़ने के लिए। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमको भीख दी जाए, हमको भीख दी जाए ताकि हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ सकें, भ्रष्ट अधिकारियों के साथ हम लड़ सकें। यही आपसे निवेदन है। अगर जवान बॉर्डर पे ड्यूटी करता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में नींद से सोता है, हमारी फैमिली चैन से सोती नहीं है, हमारी फैमिली हमेशा टेंशन में रहती है कि हम क्या करें, हम भारत माता की सेवा करें या अपने घर के बारे में सोचें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 वंदे। भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्ट अधिकारी खत्म करो, भ्रष्ट अधिकारी खत्म करो, भ्रष्ट अधिकारी खत्म करो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्ट अधिकारियों को इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। एसएम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर जिन सैनिकों को बॉर्डर पर रहना चाहिए, जो भारत की रक्षा करते हैं, हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, आज वही सैनिक इस जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं और किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भीख मांग रहे हैं सर, भीख मांग रहे हैं जवान। सर आपका नाम? मेरा नाम तेज भागवत। मैंने बीएसएफ का भ्रष्टाचार दिखाया था। सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार जो है खत्म करना, हमारी मदद करो। इन सभी जवानों ने कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार दिखाया था, लेकिन उसका भ्रष्टाचार की सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई और इन्हीं जवानों को वापस घर भेज दिया। आज हमारे पास बीवी बच्चे परिवार पालने के लिए कोई पैसा नहीं है, ना कोर्ट में जाने के लिए पैसा। इस मजबूर होकर पूरे देश के सामने आज रोडों पे हम भीख मांग रहे हैं, और अगर दी अभी भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम 2 अक्टूबर से पूरे हिंदुस्तान में घर घर जाके भीख मांगेंगे। आज जो जवान देश की रक्षा कर रहे, आज मजबूर है कि वो रोडों के ऊपर भीख मांग रहे हैं। इनका गुनाह क्या है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इन्होंने क्या गुनाह किया। ऐसे जवान भी इसके अंदर पीड़ित हैं जिन्होंने जोर जबरदस्ती घर में काम कराने के लिए बुलाया जाता है, इन्होंने मना कर दिया, उनको डिसमिस करके भेज दिया। हर डिपार्टमेंट से जवान है, कोई आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आसाम राइफल, हर डिपार्टमेंट से हमारे जवान जो आज भीख मांगने को मजबूर है। इसलिए देशवासियों से हमारा अनुरोध है कि कम से कम 1-1 रुपया हमारे को भीख दे, और इस सरकार के मुंह के तमाचा हमारा कि देश की जनता ने हमारे को भीख दिया और हमारे न्याय की लड़ाई लड़। अगर यदि जांच के अंदर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम वादा करते हैं कि हमारे इंडिया गेट के अंदर सामने हमारे को फांसी लगा दे, लेकिन जांच निष्पक्ष हो, हमारी यही मांगे हैं। जय हिंद जय भारत। तेज बहादुर जी, जो आपने अभी बताया कि घरों में काम कराते हैं, कौन घर में काम कराते हैं, कौन लोग? सभी अधिकारी लोगों के घर में आप जाके देखिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बटालियन के अंदर 1200 जवान होते हैं, लेकिन बॉर्डर पे सिर्फ 400 जवान ड्यूटी करते हैं दिन रात। इसलिए 18-18 घंटे एक जवान ड्यूटी करता है, बाकी जवान सभी अधिकारी घरों में काम कर रहे हैं। कोई कुत्ते घुमा रहा है, कोई गाड़ियां धुलाई कर रहा है, किसी के बच्चे पढ़ा रहा है। आप बताइए इस देश का क्या होगा? सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है सरेआम, और जो जवान है 400-500 जवान उन्हीं को प्रताड़ित किया जाता है, ना उनको छुट्टी दिया जाता है और मानसिक तौर पर टॉर्चर। आए दिन जवान जो है हमारे आत्महत्याएं कर लिए हैं, इसके विरोध में हम सरकार के सामने आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपने इससे पहले और कहीं गुहार लगाई? हमने सब जगह लगाई, सारे जवानों ने मिले भी हैं। हमारे मोहम्मद जली आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब जगह मिले। आज बक्सा भर के इनके पास रिकॉर्ड है, सब जगह डॉक्यूमेंट दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए मजबूर हो गए, आज हम भीख मांगना पड़ रहा है। आज हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कोर्ट में जाएं या कुछ कर सके। ऐसे ऐसे निकाल देते, अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको कोई आरोप नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? फर्जी तरीके से जाएंगे और फिर ड्यूटी में बुलाएंगे। ड्यूटी में बुलाने के बाद उसको बोलेंगे अंदर रूम में चलो। अंदर रूम में जाने के बाद पहले कपड़ा उतारो। अभी जो ये जवान सीआईएसएफ के जो जवान हैं, ये जो अपना सूटकेस खोला है, और तेज बहादुर यादव जी ने बताया कि हमने सभी अधिकारियों को अपनी गुहार लगाई है और मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को गुहार लगाई है। उसके बाद में ये आप सारे पेपर दिखा रहे हैं। ये जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय नई दिल्ली, मैं इन्होंने दिनांक 11/8/2017 को इन्होंने एक ये अपनी कंप्लेंट दी थी। इसके बाद में सर ये भीख मांगने के लिए हमें पूरे दिल्ली में ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिए, आज हमें ये जो
इंडिया गेट के सामने जो हम लोग जाके शांतिपूर्वक हमने भीख मांग रहे थे जनता से, ये आज लेटर दे के हमें पुलिस वहाँ पे अरेस्ट करके बस में लेके आई है। देखिए आज हमें दे रहे हैं, हमें मेल आई डी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, आज हमें वहाँ दे के हमारे को आज हमें वहाँ से पब्लिक में जाके हम जो ये कोई गलती नहीं की है, जो नालको दामनजोड़ी सीएसएफ यूनिट नालको दामनजोड़ी में जो अपनी जो ब्रस्ट कमांडेंट पूरा ट्रक भर सामान निकाल रहा था, देश की जो जन जो हिंदुस्तान के जो जितने भी जो प्लांट है, प्लांट वहाँ पे जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का प्लांट है वहाँ पे जो ये अपना सागवान का पेड़, ये शीशम का पेड़ और जो सीमेंट सरिया निकाल के वहाँ पे बहुत बड़ा चर्च बनाया तो मैं उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाया तो सर आज़ादी के 70 साल बाद में किसी जवान को एक चार्जशीट से दो नहीं मिला, मुझे 11 चार्जशीट मुझे दिया, उसके बाद एक एस सुभाष बोल के है सर, वो लड़का जो है मेरे को जो ऑफिसर लोग मेरे को धक्का मार रहे थे, मेरे को मारने के लिए आया तो लड़का विटनेस दिया, उस लड़के को भी रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया, ये है सर एस सुभाष, ये लड़का एक भी इस लड़के को ऐसे जैसे सफ़ेद पेपर है ऐसा पेपर इस लड़के का सर्विस बुक था, इस लड़का नक्सल डिस्ट्रिक्ट का लड़का है, आज हम देश के खसम खाए हैं, देश के लिए मर मिटेंगे, पाकिस्तान हो या चाइना हो अगर हमारी हमारे देश के खिलाफ आंख उठाया तो ये जो जवान उनके आंख निकाल देंगे, हम हमारे देश के खिलाफ हमारे तिरंगा की हम शान हैं, हमारे जैसे जवानों को चुन के निकाल के फेंक दिया सर, हम पूरी देश की जनता से आज भीख मांग के हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका डालने के लिए, देखिए मैं 11 तारीख को आया सर, ये जो है कमिश्नर ऑफिस में भी जाके मैंने उनको जो दिया, आज वो पुलिस वाले आके हमारे को जो दिल्ली में जाने नहीं दिए, मैं आपको एक एक करके इसको एक एक करके उसको दिखाओ ना प्रधानमंत्री पहले, ये है सर मुख्यमंत्री साहब को दिए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार को भी हमने सूचना दी है, उसके बाद सर ये है होम मिनिस्टर साहब को दिए हैं सर, ये एप्लीकेशन हमने कोई गलती नहीं किया सर, ये एप्लीकेशन देने के बाद हाँ पकड़ते जाओ तो सर ये देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब के जो ऑफिस में जाके मैंने इसको रिसीव कराया सर, हमने कोई कानून हाथ में नहीं लिया, शांतिपूर्वक देश की जनता के सामने सर हमें भीख मांगने का भी अधिकार नहीं है, पूरे देश में जवान रात भर जगता है तो मीडिया से लेके हिंदुस्तान का हर नागरिक चैन की नींद सोता है सर, आज हम जो है देश की जनता के सामने आके भीख मांगने का भी हमारे पास अधिकार नहीं है, जैसा सरकार द्वारा या किसके द्वारा ये आज हमें अरेस्ट करके लेके आके यहाँ जंतर मंतर पर छोड़ दिया गया। ये देखिए सर ये जो डीजीपी साहब को जो आवेदन दिया हूँ दिल्ली पुलिस को, ये दे के आया फिर वो हमारे को हमारा फ़ोन नंबर सब कुछ दिया सर, देने के बाद भी हमारे को ये लोग कोई आ जाके इंडिया गेट के सामने हमारा फ़ोन नंबर सब कुछ है हमारे को नहीं दिए, हमारे कोई इंटीमेट नहीं किया, परमिशन अंदर जाने का परमिशन है मेरे पास सर, ये राष्ट्रपति जी के पास प्रधानमंत्री जी के पास देखिए कितना लेटर, ये देखिए वो कमांडेंट जो है चोर का काला चिट्ठा, मेरे पास सीढ़ियाँ हैं पूरे सीढ़ियाँ बना के आज के डेट में, भाई वो वीडियो कहाँ है, आज के डेट में सर मेरे पास जो है हर यूनिट से जो लड़के मेरे पास जो है ये जो कुत्ते घुमाने के लिए जवानों को जो घर में काम करा रहे हैं तो गार्डन में उसका भी फोटो निकाल के मेरे पास भेजे हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री जी से भी मैं आज आपके द्वारा मैं विनती करता हूँ, अगर मैं चैलेंज करता हूँ मैं हर सबूत दूंगा अगर भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर प्रधानमंत्री जी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जवानों के साथ जाके ग्लेशियर में जाके दिवाली मनाए हमें बहुत खुशी हुई, हमारा सीना ऊंचा हुआ, प्रधानमंत्री जी आज जवानों को देखिए आपके पास आके हिंदुस्तान की राजधानी में आके भीख मांगने के लिए मजबूर क्यों हुई है, एक बार अपने छाती पे हाथ डाल के आप सोचिए साहब, हमारे ऊपर एक भी आरोप अगर सिद्ध हुआ तो इंडिया गेट पे फांसी दो सर, हमने मना नहीं कर रहे, जो अधिकारी हमें गलत किया है उसी अधिकारी के पास जांच कराएंगे, ये कहाँ का न्याय है सर, मैं प्रधानमंत्री को आवेदन दे रहा हूँ तो वो आवेदन जो है होम मिनिस्ट्री में जा रहा, होम मिनिस्ट्री से फिर उसके बाद सर हमारे डीजी के पास जा रहा, डीजी उसी भ्रष्ट कमांडेंट के पास भेज रहा, कभी वो चोर आपका जो भी संपादक है आपको पैसा तनख्वाह नहीं दे रहा तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, तो वो कंप्लेंट जो आपके जो संपादक के पास गया तो कभी बोलेगा कि मैंने आपको पेमेंट नहीं दिया, ऐसे हमारे साथ ऐसा हो रहा सर, इसलिए आज देश की जनता के सामने आए हैं, हमारे को न्याय चाहिए, हम अगर गलत किए तो हमें सजा दीजिए, मैं जितना चाहिए सर भारत माता की जय, 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 देखिए सर बंदे, ये देखिए सर ये एप्लीकेशन देखिए 29 मई 2015 को 29 मई ए ए ए इधर कोई बात नहीं,
रहने दो भाई, रहने दो, रहने दो, रहने दो, मैं बोल रहा हूँ रहने दो, उसका मेरे पास सबूत है। हमें भ्रष्ट, हम भ्रष्ट अधिकारी, हमारे को निकाला है नौकरी से, हमारी सरकार कोई जांच नहीं की है। मुझे ले जाओ, मैं ले आया इनको, मुझे ले जाओ, अरेस्ट करो, मुझे दो फांसी, जी मुझे दो, भगत सिंह जैसा फांसी मुझे दो, मुझे फांसी दो।